गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सो वी आर हेयर टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 24th of Feb 2022। 24 फरवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। एट द सेम टाइम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करने में, शेयर करने में बिल्कुल मत शर्माइएगा, और एट द सेम टाइम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट हेडलाइन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एक पॉलिटिक्स रिलेटेड है, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरनेशनल इशू बन गया है आज के डेट में। ठीक है, पहली क्या है, ईडी अरेस्ट महाराष्ट्र मिनिस्टर मलिक इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। एनफोर्समेंट डायरेक्ट ने अरेस्ट किया है किसको, महाराष्ट्र मिनिस्टर मलिक जी को अरेस्ट किया है, किसमें, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो आप सबको पता है गाइस, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बहुत ज्यादा आजकल के हमारी कंट्री में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो ये महाराष्ट्र के डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है ये नवाब मलिक जी, इनको अरेस्ट किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा इन द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, ये मनी लॉन्ड्रिंग आप सबको पता है ना कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं लोग ऐसे, तो ये एक्चुअली होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये इसी केस में इनको अरेस्ट किया गया है। ओके, दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इंडियन स्टैंड बैलेंस इंडिपेंडेंट सेज रशिया। रशिया ने क्या बोला है कि इंडिया शुड बी स्टैंड ऑन बैलेंस इंडिपेंडेंट, इंडिया को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ठीक है, बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, आप सबको पता है कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो क्राइसिस चल रही है, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे ये चल रही है। ठीक है, और एक इनवॉय के द्वारा बताया गया है कि यूएस का जो सैंक्शन है ओवर यूक्रेन, इट विल नॉट बी गोइंग टू स्टॉप द S-400 डिलीवरी। मतलब कि जो सैंक्शन लगेगा यूएस का, वो S-400 की डिलीवरी को वो नहीं रोक पाएगा। ठीक है, कुछ मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट, मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ यूएस की एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये यूएस चाहता है, यूएस की कोई प्रॉब्लम नहीं, यूएस चाहता है कि कंट्री को पीसफुली एंड प्रोस्पेरिटी से इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ओके, यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो है ये मान लीजिए रशिया, जैसे रशिया, ठीक है, यहां पर आपको ये आप पर इस जगह पे आपको मिल जाएगा क्या, यूक्रेन। ठीक है, यहां पर आपको क्रीमिया वाला पार्ट मिल जाएगा, और यहां पर क्या आपको मिल जाएगा, दोनबास वाला रीजन। ठीक है, सो यहां पर आपको बहुत सारी ट्रुप्स, लगभग रशिया के 130,000 के आसपास ट्रुप यहां पर डिप्लॉयड है। आपको अभी न्यूज सुना होगा, लगभग 30 से 40 व्हीकल यहां पर मूव देखने को मिली है, मूवमेंट यहां पर देखने को मिली है। ये इमेजेस सेटेलाइट्स के द्वारा शेयर किए जाते हैं। ठीक है, सो जो दोनबास का जो रीजन है, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट कहां से स्टार्ट हुई थी, इस क्रीमिया वाले पार्ट से स्टार्ट हुई थी, जब इसको रशिया ने 2014 में अनेक्स किया था। ठीक है, रशिया ने इसको कब अनेक्स किया था, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है, 2014 में इसको अनेक्स किया था क्रीमिया वाला पार्ट को, और यहीं से स्टार्ट होती है ये डिस्प्यूट रशिया और यूक्रेन का। ठीक है, सो अभी धीरे धीरे रशिया क्या करना चाहता है, रशिया चाहता है कि जो दोनबास वाला रीजन है इसको भी ये अपने अंडर में ले ले, और यहां पर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं बिटवीन रशिया और यूक्रेन। ओके, सो इंडिया का इसमें कैसे प्रॉब्लम होगा, इंडिया को क्या प्रॉब्लम होगा, ऑफ कोर्स इंडिया को प्रॉब्लम होगा। क्यों, क्योंकि रशिया हमेशा से हमारा मित्र रहा है, सिंस पास्ट 100 and 115 years, 50 years में आपको बता दूं कि रशिया हमारा पहले से ही बहुत अच्छा मित्र रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली ही सही, लेकिन यूएस भी हमारा खास मित्र बन गया है। ठीक है, बायलेटरल रिलेशन आप देखें तो यूएस से भी हमारे अच्छे हैं, और रशिया से तो काफी अच्छे हैं ही। ठीक है, सो जो यूएस चाहता है कि इंडिया हमारी तरफ से बोले, और रशिया चाहता है कि हमारी तरफ से बोले। ठीक है, लेकिन यहां पर जो रशिया की स्टेटमेंट आई है कि वी शुड बी रिमेन ऑन बैलेंस इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस हमें रहना चाहिए। ठीक है, हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रशिया, अगर हम कुछ डिसीजन अगर इन फेवर ऑफ यूएस लेंगे तो रशिया को बुरा लग जाएगा उससे, अगर हम इन फेवर ऑफ रशिया लेंगे तो यूएस, हमारे यूएस से रिलेशन खराब होने लगेंगे। ठीक है, सो वी शुड रिमेन ऑन इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, और देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, ये डिस्प्यूट आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे मैटर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कवरी की है, दिल्ली मेट्रो के द्वारा एक लॉन्च किया गया वेबसाइट मोबाइल ऐप विद एडवांस फीचर। एडवांस फीचर के साथ इस डीएमआरसी ने लॉन्च किया एक मोबाइल वेबसाइट को। ठीक है, और एक मोबाइल ऐप को भी, क्या क्या वो एडवांस फीचर है, यहां पर चार इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात की गई है। दैट इज, ये नाम इसका क्या है, लिख लीजिए, टूर गाइड इसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, द टूर गाइड will provide information on the nearest metro station to measure land
मार्क एज वेल एज डिटेल्स ऑन लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑप्शन। ठीक है, टूर गाइड क्या प्रोवाइड कराएगा, ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जितनी भी होगी पास पास में, ठीक है, वो सारे इस पे आपको दिखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो भी आपके कनेक्टिविटी ऑप्शन हैं वहां पर आएंगे, लास्ट माइल आपने कहा क्या किया है, ठीक है, तो वो सारे ऑप्शन आपको वहीं पर मिल जाएंगे, आप एक क्लिक कीजिएगा, आप इजिली वहां पर देख पाइएगा कि कौन सा हमारे अगल बगल में कौन सी मेट्रो स्टेशन है। ओके, दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज है, That passengers will be able to access station details such as entry, exit gate, lift, accelerator, availability with their location and station location. ठीक है, पैसेंजर क्या कर पाएंगे, पैसेंजर ये देख पाएंगे कि एंट्री गेट कहाँ से हम घुसेंगे अंदर, कहाँ से बाहर निकलेंगे, लिफ्ट एक्सकलेटर कहाँ पर है, ठीक है, किस लोकेशन पे वो है, ठीक है, स्टेशन का लोकेशन आप देख पाएंगे। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस एप्लीकेशन। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कंप्यूटर विल बी प्रोवाइड एन इंटरैक्टिव मैप feature where they will be able to view the complete route with informations on station and interchange. ठीक है, computer provide कराया जाएगा to the interactive map. ठीक है, इससे क्या होगा कि आप complete route देख पाएंगे with information के साथ on station and interchanges. ठीक है, चौथा important point क्या है, that service status of All metro station, all metro lines will be displayed on the website. ठीक है, जो भी सर्विस स्टेटस होगी मेट्रो लाइन्स की वो भी डिस्प्लेड की जाएगी इस वेबसाइट में, इस एप्लीकेशन में, ऑन रियल टाइम बेसिक थ्रू द एप्रोप्रिएट कलर कोड एंड टेक्स्ट। ठीक है, इसको कलर कोड एंड टेक्स्ट के मेथड के थ्रू इसको क्या किया जाएगा, इसको डिस्प्ले किया जाएगा। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं द स्टेटमेंट विच हैज बीन कम फ्रॉम द दिल्ली कैपिटल, कैपिटल से यह स्टेटमेंट आई है, दैट टूरिस्ट कैन नाउ प्लान दियर विजिट टू फेमस लैंडमार्क्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस इन कैपिटल थ्रू द दिल्ली मेट्रो न्यू टूर गाइड फीचर्स। टूर गाइड फीचर्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, टूरिस्ट अपना प्लान कर सकते हैं फ्यूचर, जो भी घूमने की जगह है, हिस्टोरिकल प्लेसेस इन द दिल्ली, वो इजिली इस पे आपको ये गाइड करेगा। ठीक है, टूर गाइड, गाइड का मतलब होता है कि आपको रास्ता दिखाना, टूरिस्ट को क्या करेगा, ये रास्ता दिखाएगा। इट विल अलाउ देम टू सी द रूट ऑफ द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑन द रिमेनिंग जर्नी आफ्टर द बोर्डिंग ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा, आपको दिखाएगा कि कौन सी आपके बगल में मेट्रो स्टेशन है, वो आपको यहां पर इससे पता चल जाएगी। ठीक है, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की गई है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, और ये न्यूली डिजाइन वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, नाउ मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट यहां पर तो कुछ है नहीं, यहां हाँ, पीएम सॉल्व बंद ब्लॉकेड प्रॉब्लम्स इन मणिपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने बोला है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सॉल्व किया है बंद ब्लॉकेड प्रॉब्लम को, जो कि मणिपुर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। ये कहां पर बोला गया है, ये फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में बताया गया है, पार्टी कैंडिडेट की फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हो रही थी, वहीं पर असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा बोला गया कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सॉल्व कर दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट थी, दैट इज बंद ब्लॉकेड प्रॉब्लम मणिपुर की। ठीक है, इसको सॉल्व किया गया है। नाउ ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्प्यूट कब से स्टार्ट हुई थी, ये डिस्प्यूट 2017 से स्टार्ट हुई थी, व्हेन भारतीय जनता पार्टी लेट द गवर्नमेंट टुक चार्ज। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जब से चार्ज ली थी, यहां पर लिखा है, ये मैं अपने से स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, आई एम गिविंग द स्टेटमेंट एज पर द अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर। ओके, मिस्टर शर्मा सेड दैट पीपल ऑफ मणिपुर फेस्ड अ लॉट ऑफ हार्डशिप एंड ड्यू टू द बंद एंड ब्लॉकेड हाईवे ब्लॉकेड्स प्रायर टू द 2017 व्हेन द भारतीय जनता पार्टी टुक द चार्जेस। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जब से चार्ज लिया उसके बाद से बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही थी, और ये इट वाज इम्पॉसिबल फॉर सॉल्विंग, लेकिन मोदी जी ने बोला कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, वी हैव डाउट अबाउट द सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, बट मोदी जी सेड दैट इट इज पॉसिबल, इट विल सून बिकम रियलिटी। हियर इज द स्टेटमेंट विच हैज बीन रिटन, दैट कि हमको डाउट है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं, लेकिन मोदी जी ने बोला कि ये क्या होगा, सॉल्व होगा और बहुत ही जल्द ये रियलिटी बनेगा। ओके, बंद ब्लॉकेट्स आर नाउ अ थिंग्स इन द ऑफ द पास्ट। ठीक है, ये क्या है, अब ये तरीके का ये पास्ट हो गया। ठीक है, अब इसको यहां पर खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये बंद और ब्लॉकेट, इसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी और ये अब जाकर सॉल्व हो गया। ओके, नाउ अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज ओल्ड पेंशन स्कीम बैक इन राजस्थान। राजस्थान में क्या आ गई, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस से आ गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये किसके द्वारा बताया गया, ये आपको बताया राजस्थान के चीफ मिनिस्टर गहलोत जी के, अशोक गहलोत जी के द्वारा बताया गया ऑन वेनेसडे के दिन में। ठीक है,
अदर स्टेट शुड ऑल्सो थिंक ऑन नेशनल पेंशन स्कीम. नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में इनको सोचना चाहिए, सेज राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत वाइल प्रेजेंटिंग द बजट. इन्होंने क्या किया, इन्होंने बजट प्रेजेंट किया है, उसी के दौरान इन्होंने बोला है कि अदर स्टेट्स को भी सोचना चाहिए इस नेशनल पेंशन स्कीम को. ठीक है, बहुत ही अच्छी स्कीम थी. ठीक है, आपको पता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत क्या मिलते थे, कि जो भी मिनिमम रिटायरमेंट मिलती थी कितनी, लगभग 3500 के आसपास की रिटायरमेंट स्कीम मिलती थी इनको, दी जाती थी. ओके, प्रेजेंटिंग अ पॉपुलिस्ट बजट अहेड ऑफ द 2023 स्टेट असेंबली इलेक्शन, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ऑन वेडनेसडे अनाउंस द रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु ज्वाइंड द सर्विस ऑन एंड आफ्टर जनवरी 1st 2004. ठीक है, जिन्होंने भी सर्विस ज्वाइन किया है 1st of Jan 2004 के बाद, ठीक है, ये सारे उस ओल्ड पेंशन स्कीम के हकदार होंगे. जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, उन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद अगर उन्होंने सर्विस ली है, तो ये क्या, ओल्ड पेंशन स्कीम के ये हकदार होंगे. ये किसके द्वारा बताया गया, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के द्वारा वेनेसडे के में बताया गया. ठीक है, मिस्टर गहलोत सेड दैट नेशनल पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस इन 2004 में इस स्कीम को लाया गया था, हैड लेड टू अप्रिहेंशन अमंग द एम्प्लॉय अबाउट देयर सिक्योरिटी इज इन ओल्ड एज. ठीक है, ओल्ड एज में सिक्योरिटी को लेकर इस स्कीम को लेकर आया गया था. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, पता होना चाहिए लोगों को कि एक्चुअली जो ओल्ड एज है उसमें लोगों की सिक्योरिटी के लिए इस स्कीम को लेकर आया गया था. नाउ इसमें एनुअल बजट की बात की गई है, एनुअल बर्डन की बात की गई है, दैट द बजेटरी अनाउंस द रिस्टोरेशन ऑफ नेक्स्ट ग्रेड पे सिस्टम विल पुट एन एनुअल बर्डन ऑफ 1000 करोड़ ऑन द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम 2022-2023. लगभग 1000 करोड़ का एनुअल बर्डन बताया गया है ऑन द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम 2022-23, 2022-23 का कितना, लगभग 1000 करोड़ का एनुअल बर्डन बताया गया है. मिस्टर गहलोत जी ने अनाउंस किया है न्यू मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी विद द फोकस ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी एंड टूरिज्म. ठीक है, किस किस सेक्टर में फोकस करने की बात की गई है, पहला क्या इंपॉर्टेंट सेक्टर है, दैट इज हेल्थ. हेल्थ को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि आप सबको पता है कि इस पैंडेमिक में हेल्थ की बहुत सीरियस इशू हुई थी. ठीक है, इसकी वजह से बजट में भी आप देखेगा कि जो यूनियन बजट सेशन हुआ था 2022-23 का, उसमें भी हेल्थ को बहुत ज्यादा एलोकेट किया गया है. ठीक है, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिस पैंडेमिक की वजह से एजुकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा, एजुकेशन का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया, तो उसमें भी करने की जरूरत है, वहां भी वेलफेयर, वहां भी कुछ मेजर्स लाने की जरूरत है. तीसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, सब कुछ हम दे रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न हो जाएगा. ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की जरूरत है, और टूरिज्म को तो इन्हांस करना ही है, क्योंकि टूरिज्म है तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज्यादा फास्टली ग्रो करेगी. हमारी कंपनी की जो, हमारी जो कंट्री की जो इकोनॉमी है, ये बहुत ज्यादा फास्ट एंड ग्रो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा. ओके, द बजट प्रपोज एन इंक्रीज इन हेल्थ कवरेज अंडर द एम्बिशियस चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फ्रॉम 5 लाख to 10 लाख पर ईयर फॉर फैमिली फ्री ऑफ कॉस्ट आईपीडी ओपीडी सर्विस इन द गवर्नमेंटल हेल्थ फैसिलिटीज. ओके, बजट ने क्या प्रपोज किया, इन्होंने इंक्रीज किया है हेल्थ कवरेज को, इंक्रीज करते हुए बताया है अकॉर्डिंग टू विच स्कीम, एम्बिशियस चरणजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत इन्होंने बताया है कि 5 लाख से लगभग 10 लाख तक का पर फैमिली को हर साल दिया जा रहा है. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आईपीडी ओपीडी जो सर्विस मिलती है, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज. ओके, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि इट विल ऑल्सो स्पेंड 4,500 करोड़ ऑन गिविंग पावर टैरिफ सब्सिडीज टू द कंज्यूमर इन डिफरेंट स्लैब्स. ठीक है, डिफरेंट एंड डिफरेंट स्लैब्स में लगभग 4,500 करोड़ का ये टैरिफ सब्सिडीज पावर दे रहे हैं, प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है, द इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द लाइन ऑफ द रूरल्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. ठीक है, लगभग इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लाया जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, ठीक है, 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा इन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम विद अ बजट आउटले ऑफ लगभग 800 करोड़ की इसमें बजट बताई गई है, वाइल द वर्क ऑफ 125 डेज इंस्टीड ऑफ अर्लियर 100 डेज विल बी प्रोवाइडेड अंडर द लेटर. ठीक है, लगभग इसको कितना 125 कर दिया गया है,
बढ़ाकर, पहले कितनी थी 100 दिन थी इसके अंदर, ठीक है, लेकिन इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है कि वो 125 दिन तक इंप्लॉय कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर का एलोकेशन मैंने आपको बता दिया, 800 करोड़ दिया गया है इसके लिए। ओके, नाउ एन एंटी चीटिंग सेल वुड बी सेटअप्स इन द स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स, ठीक है। क्या किया जाएगा, एक एंटी चीटिंग सेल डेवलप किया जाएगा इन द स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स ऑफ राजस्थान पुलिस, ठीक है। राजस्थान पुलिस में एक एंटी चीटिंग सेल जनरेट करने की, एक डेवलप करने की बात की गई है, ठीक है। इन सब के बीच में बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। बजट में हम हेल्थ को देंगे, फोकस करेंगे, एजुकेशन को फोकस करेंगे और हम अदर सेक्टर्स को फोकस करेंगे, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन साथ ही साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है, ठीक है। रिएक्टिंग टू द बजट, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सतीश पूनिया सेड सेवरल अनाउंसमेंट्स वर मेड इन द हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, देयर इज नो सिंसियर एफर्ट टू बी डेवलप्ड इन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये किसने बोला है, बीजेपी स्टेटमेंट प्रेसिडेंट सतीश पूनिया जी ने बोला है कि बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट किए गए हैं रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर, रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर, हमने हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज्यादा एलोकेट किया, हेल्थ सेक्टर को हमने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, एजुकेशन सेक्टर को हमने एलोकेट किया, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ वो क्या बोल रहे हैं कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरत है, उसकी भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द फाइनेंशियल सोर्स ऑफ बजेटरी प्रोविजन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि क्या हो सकता है बजटरी प्रोविजन के क्या क्या फाइनेंशियल सोर्सेस हो सकते हैं, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये सब समझना। ओके, सो दीज थिंग्स आर इन द आर्टिकल, आपको पता हो गया होगा, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम अब वापस आ गया है कहां पर, राजस्थान में। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस आर्टिकल। ओके, नाउ मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे दिखा नहीं, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टूरिस्ट प्लेस है। ओके, तमिलनाडु ने बैन किया है ट्रिप्स बाय टूरिस्ट फ्रॉम केरला वाया मूली, मूली के जो रास्ते जो केरला के जो लोग जाते थे, टूरिस्ट जितने भी ट्रैवल करते थे, वो मूली के रास्ते अब नहीं जाएंगे, ठीक है। ये तमिलनाडु ने अभी क्या किया है, यहाँ पर बैन किया है। अथॉरिटीज साइट डिस्टर्बेंस टू एनिमल बिकॉज ऑफ व्हीकल हेडिंग फॉर मंजूर ऊटी एंड कुनूर, ठीक है। मंजूर लिख लीजिए, तीन प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मंजूर ऊटी एंड कुनूर, ये तीन प्लेसेस जाया करते थे कहां से, मूली से होकर केरला वाले लोग, ठीक है। सो यहां पर जो व्हीकल की मूवमेंट होती थी उससे एनिमल को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता था, ठीक है, ये अथॉरिटीज के द्वारा बताया गया, और इसीलिए तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, तमिलनाडु की जो सरकार है, ये बहुत बड़ा फैसला लिया है कि ये मूली के जो केरला के जो लोग हैं अपने जो कार से आए या फिर टूरिस्ट जो भी आते थे, वो मूली का रास्ता यूज करके मंजूर ऊटी और कुनूर जाते थे, बहुत ही ये पास पास पड़ जाता था, इसलिए वो इस रास्ते को यूज करते थे, तो ये उन्होंने अभी बैन कर दिया है, ठीक है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज बैन द टूरिस्ट मूवमेंट फ्रॉम केरला थ्रू मूली इन अट्टापाड्या, अट्टापाड्या में जो ये जो जाते थे मूली से होके हुए अट्टापाड्या में, ठीक है, ये एक्चुअली बैन कर दिया गया है फ्रॉम द तमिलनाडु गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज इशूड द बैन ऑर्डर साइटिंग डिस्टर्बेंस टू ऑन एनिमल्स, ठीक है। ये किससे, इससे एनिमल को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, ठीक है, एनिमल्स की जो मूवमेंट है वो यहाँ पर कम हो गई थी ड्यू टू द टूरिस्ट व्हीकल की वजह से, ठीक है, जो कि केरला से होते हुए ये लोग आते थे, ठीक है। ऑफ लेट देयर हैज बीन इंक्रीज इन टूरिस्ट व्हीकल फ्रॉम केरला हेडिंग टुवर्ड्स मंजूर ऊटी कुनूर वायामूली बिकॉज ऑफ द सीनिक ब्यूटी ऑफ दैट रूट, ठीक है। उस रूट की बहुत ही इंपॉर्टेंट खास बात क्या थी कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल रूट था, बहुत ही सुनहरा रूट था, इसीलिए जो टूरिस्ट थे उनका बहुत ज्यादा वहां पर अट्रैक्शन खींचता था, और इस रूट को जो मूली का जो रूट है उसका यूज करते थे, और इसकी वजह से एनिमल को यहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता था, और इसलिए इसका तमिलनाडु गवर्नमेंट का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है। ओके, दे सेड दैट द रोड थ्रू द फॉरेस्ट वॉज मेंटेन्ड फॉर फॉरेस्ट एंड अदर इमरजेंसी पर्पज, उन्होंने बताया है कि एक्चुअली जो मूली वाला जो रूट है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसको एक्चुअली फॉर द पर्पज ऑफ फॉरेस्ट के लिए मेंटेन किया जाएगा, इमरजेंसी पर्पज के लिए इसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया है, ठीक है। लेकिन पीपल यहाँ पर जो टूरिस्ट है जो आ रहे हैं केरला से, वो इस रोड को रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रही है एनिमल्स को, इसलिए इसको बैन करने की बात की गई है। ओके, नाउ द मूली हैड बिकेम पॉपुलर विद सम ब्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स प्रमोटिंग द रूट, ठीक है।
मुली, अभी आप सबको पता है कि ये पॉपुलर कैसे हुआ था। ये कुछ ब्लॉगर्स थे, कुछ यूट्यूबर्स थे जो यहाँ पर वीडियो शूट करते थे, उनकी वजह से बहुत ज्यादा ये पॉपुलर हो गया था, स्पेशली ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक। ठीक है, COVID-19 पैंडेमिक में इस टाइप के जो इलाके में यूट्यूबर्स आते थे, ब्लॉगर्स आते थे वो क्या करते थे, वीडियो को शूट करते थे। तो इसकी वजह से ये जो मुली वाला जो एरिया है ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। इट टेक 29 किलोमीटर फ्रॉम थवलम टू रीच मुली। ठीक है, मुली से रीच करने के लिए जो थवलम का जो था वो लगभग 29 किलोमीटर था, एंड इट टेक अनदर 30 किलोमीटर फ्रॉम देयर टू रीच मंजूर। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा शॉर्ट पड़ जाता था, इसीलिए इसको यहाँ लोग ज्यादा यूज करते थे, और इसलिए इसको अभी ये एनिमल को कोई थ्रेट ना हो, एनिमल को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सो इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया। ओके, सो अगेन दिस वॉज इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। ठीक है, एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे, अब एडिटोरियल का हम एक अलग से बनाएंगे, अलग से वीडियो उसका एक टाइप का निकालेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग एडिटोरियल को डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे हम उनको डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल को अगर हम लोग ले लिए तो एडिटोरियल पता है कि टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज्यादा वो टाइम ले लेता है, और फिर वीडियो आपका 1-1.5 घंटे का बन जाएगा, तो फिर वो लोग इतना देखते नहीं। ठीक है, सो आपको मैं आपके लिए एडिटोरियल क्या क्या करूंगा, एक अलग से वीडियो लेकर आया करूंगा हर दिन। ठीक है, एडिटोरियल मैं आपको उसमें पढ़ा दिया करूंगा। ठीक है, नाउ अभी हम लोग आर्टिकल के ऊपर फोकस करेंगे। आपको मैंने जैसा कि पहले पेज में बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा अरेस्ट किया गया है, किसको, नवाब मलिक जी को। ठीक है, सो मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा बढ़ता गया है कंट्री में। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री का ही प्रॉब्लम है, ये बस ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये क्या, मनी लॉन्ड्रिंग इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। यू कैन सी the headline of the article that money laundering क्या है, एक global problem है जो कि globally हो रहा है। ठीक है, काले धन, काला जो धन है उसको वैध बनाना ये एक बहुत बड़ा problem है। ठीक है, accused run to smaller nation when there can buy citizenship center tells supreme court। ठीक है, center ने बोला किसको, supreme court को, कि जो actually जो money laundering करते हैं वो smaller nation में run कर जाते हैं और वहां की वो citizenship खरीद लेते हैं। तो ये उनके लिए बहुत आसान बात है, क्योंकि वो उनका काला धन आ रहा है उसको वैध बना रहे हैं, वैध बना के कहीं और जा रहे हैं, उसकी सिटीजनशिप ले रहे हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे इन्फॉर्म्ड सुप्रीम कोर्ट दैट 18,000 करोड़ वाज कॉन्फिस्केटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फ्रॉम फ्रिजेटिव बिजनेसमैन विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी एंड रिटर्न टू बैंक्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्म किया है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, बताया है उनको कि 18,000 करोड़ लगभग जब्त किए गए अंडर दिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू कितने 18,000 करोड़ रुपीस को जब्त किया गया है। ठीक है, किसके, कौन कौन से बिजनेसमैन इसमें इंक्लूड थे, विजय माल्या जी, नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी, ये सारे बिजनेसमैन इसमें जो कि फ्रजिटिव बिजनेसमैन है इसके अंदर इंक्लूड थे, एंड दे रिटर्न बैक द मनी टू बैंक्स। ओके, नाउ हियर द स्टेटमेंट हैज केम दैट मनी लॉन्ड्रिंग इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ये क्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये किसके द्वारा बताया गया, ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने ये स्टेटमेंट दिया, उसमें इन्होंने बताया कि द गवर्नमेंट सेड दैट टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन PMLA, दैट इज PMLA का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अ केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट इज 67,000 करोड़। लगभग 67,000 करोड़ के आसपास जो क्या बोलते हैं, ये केसेस पेंडिंग है। ओके, मिस्टर मेहता सेड That numbers of PMLA case investigated by the Enforcement Direct, किसके द्वारा investigate किया जाता है, Enforcement Direct ED के द्वारा इसको investigate किया जाता है, has varied in 5 years, बहुत ज्यादा इसके अंदर variation देखने को मिला है 5 सालों में, लगभग 101 था 2015-16 में, और कितना उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, 981 हो गया 2020-21 में। ठीक है, तो केसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, सो वेरी स्मॉल नंबर केसेस आर बींग टेकन अप फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर द PMLA as per compared to the annual registration of the cases under the money laundering prevention act in UK में आपको मैं बता दूं 7,900 केसेस है, US में 1,532 है, चाइना में 4,691 है, ऑस्ट्रिया में 1,036 है, हांगकांग में आपको 1,800 देखने को मिलेगा, बेल्जियम में 1,800, रशिया में 2,700। तो ऐसे ऐसे कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में केसेस है, हमारी कंट्री में इतना घोटाला है, हमारी कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अदर भी कंट्रीज उनकी न्यूज हमें नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके कंट्रीज में केसेस नहीं। आप देख सकते हैं यूके की, यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट में बताया गया कि 7,900 के आसपास ऐसे केसेस
केसेस है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से फैले हैं। ठीक है, अभी आपको रशिया यूएसए की आपको बता दूं 1500, रशिया जो इतनी बड़ी कंट्री है इन द लैंड आपको यहां पर बता दूं 2700 के आसपास है, बेल्जियम 1800 के आसपास, हांगकांग 1800 के आसपास, और चाइना में आप देख सकते हैं जो कि सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेटर इकोनॉमी है वहां पर भी लगभग 4600 के आसपास की इकोनॉमी आपको वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के देखने को मिलेंगे केसेस। ओके, तो उन्होंने ये एडिशनल बोला है कि करप्शन इन हाई ऑफिसर इज मेजर फैक्टर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा है और एक्चुअल में बोला जाए तो थोड़ा बहुत फैक्ट की तरफ ये लेके जाता है। ठीक है, कि जो हाई ऑफिसर्स के बीच में जो करप्शन है, हाई ऑफिसर्स के बीच में जो करप्शन है, जो कि हाईली और बहुत ज्यादा ऊपर लेवल की जो बात होती है सब, ठीक है, सो ये उनके बीच में जो करप्शन है वो बहुत ही एक मेजर फैक्टर है, मेजर फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है एज अ इन मनी लॉन्ड्रिंग। दिस इज स्पेशली ट्रू इन डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फैक्ट है, ये बहुत ज्यादा सच है, कहां पर? डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलपिंग वर्ल्ड में। मिस्टर मेहता सेड करप्शन इज एन इंडिजीनियस प्लेयर्स विच अंडरमाइंस डेमोक्रेसी। ठीक है, करप्शन एक्चुअली उन्होंने बोला है कि ये क्या है, इंडिजीनियस प्लेयर्स हैं जो कि अंडरमाइन डेमोक्रेसी है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड इमीडिएटली सॉल्व दिस सच टाइप ऑफ डिस्प्यूट। मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रॉब्लम है उसको देखना चाहिए हमारी कंट्री को, ठीक है, हमारी सरकार को उसके तरफ एक अच्छा मूव लेना पड़ेगा। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग अगर मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस आती हैं तो आपको पता है इसमें इकोनॉमिक को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ओके, सो ऐसे केसेस, ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग कम होता है हमारी कंट्री में, इसके लिए कुछ प्रिवेंशन, कुछ प्रिकॉशन की जरूरत है, सो उसके तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ है नहीं, यहाँ पर सारे आपको दिखेंगे किससे, नाउ आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड देखेंगे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट इज मिलन विच इज टू बी हेल्ड इन विजार्ड में हेल्ड होगा ये एक्सरसाइज, कब से? 25th of Feb से आपको देखने को मिलेगा, 4 मार्च तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जाएगा। कहां पर? विजाग में। ठीक है, जहां पर आपको लगभग 15 कंट्रीज के वॉरशिप आपको देखने को मिलेंगे इस एक्सरसाइज को, इस नेवल एक्सरसाइज को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ओके, आप पता है कि अभी के बीच में, अभी की जो टाइम चल रहा है इसमें रशिया और यूक्रेन का बहुत ही माइट टेंशन है, ठीक है, बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, फिर भी वहां पर लगभग वॉरशिप्स ऑफ क्वाड कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी, फ्रांस की वॉरशिप्स आएंगी, म्यांमार की वॉरशिप आएंगी, ठीक है, साउथ कोरिया, वियतनाम, ठीक है, सेवरल अदर कंट्रीज विल गेट टुगेदर एट विशाखापट्टनम। ठीक है, और भी आपको मैं बता दूं, रशिया, ईरान, इजराइल, सऊदी अरेबिया, तो ये ऐसी सारी कंट्रीज, बड़ी बड़ी कंट्रीज यहां पर आएंगी और इस मल्टीलेटरल, लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन में पार्टिसिपेट करेंगी, अपनी वॉरशिप्स को भेजेंगी। ठीक है, किसके द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि हु होस्टेड मिलन एक्सरसाइज, मिलन एक्सरसाइज को किसने होस्ट किया, तो इंडियन नेवी के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। ठीक है, कहां पर? विशाखापट्टनम में। आपको पता होना चाहिए विशाखापट्टनम में ये होगा, वो एक साथ मिलेंगे यहां पर। ठीक है, लिख लीजिए कौन कौन सी कंट्री के वॉरशिप, बहुत सारी 15 कंट्रीज के वॉरशिप आएंगी, ठीक है, जिसमें से कुछ कंट्रीज का मैंने आपको नाम बता दिए, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन जो कि इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ये कब से कब तक होगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कब से कब तक ये एक्सरसाइज शेड्यूल किया गया है, तो 25 फरवरी से ये 4 मार्च तक होगा, एंड अराउंड हमको इसके अंदर लगभग 42 कंट्रीज दिखेंगी जिसके फ्रॉम ओवर 15 कंट्रीज के वॉरशिप्स आपको देखेंगे और 42 कंट्रीज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, आपको ये मैंने बता दिया कि कब से कब तक ये होगा, 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक ये एक्सरसाइज चलेगी, जिसके अंदर टोटल 42 कंट्री पार्टिसिपेट करेगी और साथ ही साथ 15 कंट्री ऐसी होंगी जो कि वॉरशिप्स लेके आएंगी। ठीक है, यूएसए भी इस एक्सरसाइज को ज्वाइन करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज होने वाला है। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, दैट व्हाट इज द थीम ऑफ द एक्सरसाइज मिलन एक्सरसाइज 2022 मिलन एक्सरसाइज की थीम क्या है, कैमरेडरी कोहेशन कोलैबोरेशन। ठीक है, विच एम्स टू प्रोजेक्ट इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल मैरिटाइम पावर टू द वर्ल्ड एट लार्ज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये थीम है, लिख लीजिए, कहीं भी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द थीम ऑफ मिलन एक्सरसाइज 2022, तो आपको पता है कैमरेडी कोहेशन कोलैबोरेशन। ठीक है, which aims to project India as a responsible maritime power to the world at large. ठीक है, this is the theme of Milan Exercise 2022. What is the main aim of the exercise? Exercise का main मकसद क्या है? To hone operational skills को promote करेंगे, operational skills को वो क्या करेंगे, वो share करेंगे, experiences को भी share करेंगे, best practices को share करेंगे, procedures को share करेंगे, enable doctrinal learning in maritime
डोमेन थ्रू प्रोफेशनल इंट्रैक्शन बिटवीन देयर फ्रेंडली नेवीज, ठीक है, जो भी फ्रेंडली नेवीज के बीच में इंट्रैक्शन होगी वो अपने एक दूसरे के साथ स्किल शेयरिंग करेंगे, ठीक है, वो अपने एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस करेंगे, तो उसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट गेट टुगेदर करके वो ऑपरेशनल स्किल्स को शेयर करेंगे और ये बहुत ही एक इंटर ऑपरेबिलिटी के टुवर्ड्स ये मूव करेंगे, ठीक है। द ओपनिंग सेरेमनी ऑन 26th of February को ये ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिलेगी, विल सी द इनॉग्रेशन ऑफ द मिलन विलेज एंड इन इंटरनेशनल सिटी परेड इज शेड्यूल टू शेड्यूल द नेक्स्ट डे विद द पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन कंटिजेंट, ठीक है, एक इंटरनेशनल सिटी परेड कंडक्ट कराया जाएगा अगले दिन, ठीक है, जिसमें फॉरेन कंटिजेंट फॉरेन के कंटिजेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। द ये जो फेज है ये कौन सा 25 से लेकर 28 फरवरी के तक ये कौन सा हार्बर फेज है, उसके बाद आपको 1 मार्च से 4 मार्च तक आपको क्या देखने को मिलेगा, सी फेज आपको इसका देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 4 countries इंडोनेशिया सिंगापुर श्रीलंका एंड थाईलैंड इन 1995 से ये मिलन एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है, 4 countries से इसको स्टार्ट किया गया था, कौन कौन सी कंट्री है, इंडोनेशिया सिंगापुर श्रीलंका एंड थाईलैंड कंट्री ने मिलकर 1995 में मिलन एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था और अभी ये बहुत ही लार्ज स्केल पर इसको कवर किया जाता है। द एक्सरसाइज हैज सिंस ट्रांजिशनड इन द नंबर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एक्सरसाइज, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपको पता होना चाहिए जो कि 25 फरवरी से 4 मार्च तक हमको ये देखने को मिलेगा, ओके। नाउ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट इज कोबरा वॉरियर जिसमें तेजस पार्टिसिपेट करने वाला है, तेजस टू टेक पार्ट इन कोबरा वॉरियर यूके, यूके में हमारे तेजस जाएंगे वहां पर हमारे तेजस पार्टिसिपेट करेंगे। इन अ फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स विल डिप्लॉय द इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस फॉर द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर एट वॉडिंगटन यूएस विच विल ऑल्सो सी द पार्टिसिपेशन ऑफ द एयरफोर्स ऑफ बेल्जियम सऊदी अरेबिया स्वीडन यूएस, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज आएगी लगभग जिसमें से मैं आपको कुछ का नाम बता दूं, बेल्जियम सऊदी अरेबिया स्वीडन यूएस, डिफेंस ऑफिशियल सेड, ये डिफेंस ऑफिशियल के द्वारा बोला गया कि तेजस विल बी ऑल्सो part of this Cobra Warrior exercise which will be going to held on एट वॉडिंगटन यूके, यूके में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है, कब से कब तक ये एक्सरसाइज हो जाएगी, ये एक्सरसाइज होगी मार्च 6 से 27 तक ये एक्सरसाइज चलेगी, दिस एक्सरसाइज इज शेड्यूल फ्रॉम मार्च 6 से 27, 6 मार्च से 27 मार्च तक ये एक्सरसाइज चलेगी जिसके में 5 तेजस एयरक्राफ्ट फ्लाई होंगे टू द यूके, ठीक है, 5 हमारे तेजस यहां से जाएंगे और ये एक्सरसाइज परफॉर्म करके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज था आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। रशिया यूक्रेन मोबिलाइज ट्रूप समिटेंशन, आपको पता है इसके बारे में मैंने आपको लगभग हर चीज क्लियर कर दिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर जो टेंशन है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट 9,000 ईयर ओल्ड श्राइन फाउंड इन जॉर्डन, जॉर्डन में 9,000 पुराना श्राइन पाया गया, ठीक है, अ टीम ऑफ जॉर्डनियन एंड फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट सेड ऑन ट्यूसडे दैट इट हैड फाउंड अ रफली 9,000 ईयर ओल्ड श्राइन एट रिमोट लियोलिथिक साइट इन जॉर्डन ईस्टर्न डेजर्ट, ठीक है, जॉर्डन के ईस्टर्न डेजर्ट में जो रिमोट नियोलिथिक साइट है वहां से इसको पाया गया है, 9000 साल पुराना श्राइन को पाया गया है, ठीक है। द रिचुअल कॉम्प्लेक्स वॉज फाउंड इन द नियोलिथिक कैंपस नियर लार्ज स्ट्रक्चर्स वॉज नॉन एज डेजर्ट काइट्स, ठीक है, इट वॉज नोन एज डेजर्ट काइट्स एंड मास ट्रैप दैट आर बिलीव टू हैव बीन यूज द कोरल्स वाइल्ड गैसेट्स फॉर स्लटर्स, ओके। सो ये आपको पता होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली जो 9000 पुराना जो श्राइन मिला था वो कहाँ पर मिला, ये आपको पता होना चाहिए, इट वॉज फाउंड इन जॉर्डन, जॉर्डन में कहाँ मिला अगर आपसे पूछता है तो नियोलिथिक साइट में मिला है जॉर्डन के ईस्टर्न डेजर्ट के आसपास, ठीक है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट दैट इज इन्फ्लेशन हैज पिक्ड, फोकस इज ऑन ग्रोथ, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई पे है, अपने पीक पे है और हमको किस पे फोकस करना है, ग्रोथ पे फोकस करना है, ओके। सो ये किसके द्वारा आरबीआई पत्रा जिन्हें वार्न किया है दैट वोलेटिलिटी एंड सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी टाइटनिंग कुड किल द ग्लोबल रिकवरी, ठीक है, इट कुड किल द ग्लोबल रिकवरी को ये क्या कर सकता है, किल कर सकता है, ओके। इंडिया कैन अचीव $500 बिलियन इन ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इंडिया को क्या मिल सकता है, $500 बिलियन इन ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट्स में। एनर्जी ट्रांजिशन टू डिसाइड जियोपॉलिटिक्स पॉलिटिकल ट्रांजिशन, अंबानी जी ने बोला है एनर्जी और ट्रांजिशन क्या डिसाइड करेगा, जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन डिसाइड करेगा, ठीक है। इंडिया विल इन फ्यूचर इंडिया विल गेट $500 बिलियन को अचीव करेगा इंडिया इन द फील्ड ऑफ ग्रीन एनर्जी, ओके। दिस हैज बीन सेड बाय मुकेश अंबानी जी के द्वारा इसको
बताया गया। ओके सो ये सारी छोटी छोटी आपको चीजें आपको याद रखनी है कि ये किसने बोला है, ठीक है, क्या बोला है, $500 बिलियन किस फील्ड के लिए बताया गया, ग्रीन एनर्जी की फील्ड के लिए बताया गया, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके इंडिया टैलेंट रेडी फॉर 5G रिलेटेड टेक रोल आउट, ठीक है, इंडिया अभी आपको सबको पता है कि इस साल 5G का रोल आउट होगा, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग बताया कि इंडिया इज रेडी फॉर दिस 5G के लिए इंडिया रेडी है। सपोर्टिव टेक्नोलॉजी, चाइनीज टेलीकॉम मेजर हुआई सेट ऑन ट्यूसडे, ठीक है, चाइनीज का जो एक मेजर टेलीकॉम है हुआई, उसने बोला है कि इंडिया इज टैलेंट रेडी फॉर द रोल आउट ऑफ 5G एंड सपोर्टिव टेक्नोलॉजी, 5G की जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसी साल स्टार्ट करेंगे और अभी इंडिया इसके लिए रेडी है। ओके नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत सारे यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको दिख जाएंगे। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे अभी एक ही इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज आई है, विच इज ऑल अबाउट नासा प्लान टू डिकमिशन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, बहुत ही पुराना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको 1998 में जिसको लॉन्च किया गया था इन स्पेस इन द ऑर्बिट, जिसको लॉन्च किया गया था विद द ज्वाइंट एफर्ट ऑफ US, ठीक है, किस किस ने मिलकर किस किस कंट्री ने मिलकर इसको लॉन्च किया था, US हो गया, रशिया हो गया, बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, जापान हो गया, ठीक है, लिख लीजिए 3-4 कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा हो गया और यूरोप, ठीक है, सो इन सारे कंट्रीज के एफर्ट के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 1998 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, और अभी इसको क्या नासा के द्वारा प्लानिंग किया जा रहा है कि इसको डीकमीशन किया जाएगा, ठीक है, 2031 में इसको डीकमीशन कर लिया जाएगा। ओके नासा के बारे में आपको मैं थोड़ा सा पहले दे दूं, थोड़ा सा आइडिया दे दूं, नासा क्या है, नासा की फुल फॉर्म आप सबको पता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने क्या किया है, प्लान किया है दैट दे विल बी गोइंग टू रिटायर एंड डीकमीशन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय 2031 तक ये क्या कर लेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ये डीकमीशन कर लेंगे। द यूएस एजेंसी हैज डिटेल्ड इट्स गोल फॉर द नेक्स्ट डिकेड्स एंड इंटरनेशनल स्पेस ट्रांजिशनल रिपोर्ट एज इट एम्ड एट हैंड ओवर टू द ऑपरेशनल टू द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट हैंड ओवर कर दिया है इनको, ठीक है। व्हाट इज ISS, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, मैं आपको बता दिया कि कुछ कंट्री की एफर्ट्स के साथ जैसे यूएस रशिया जापान कनाडा यूरोप ने मिलकर इसको लॉन्च किया था कब, 1988 में। द स्पेस स्टेशन वॉज असेंबल ओवर मेनी ईयर एंड इट ऑपरेट इन लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको सेटल किया गया था, इसको वहां पर रखा गया था। सिंस इट इंसेप्शन द ISS हैज सर्व्ड एज अ लेबोरेटरी सस्पेंडेड इन स्पेस, हैज एडेड मल्टीपल साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट जो भी वहां पर गए उसको बहुत सारी टेक्निकल एड्स प्रोवाइड किया, ठीक है, बहुत ज्यादा मल्टीपल साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इसने प्रोवाइड कराया, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि हमारे लिए जो ISS था उसने बहुत कुछ डाटा दिया है टू द ऑल द साइंटिस्ट, ठीक है। द आइडिया ऑफ स्पेस स्टेशन ऑरिजिनेटेड इन 1984 स्टेट्स ऑफ UN एड्रेस बाई फॉर्मर US प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन, ठीक है, ये किसका आइडिया था जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भेजने का ऊपर भेजने का आइडिया किसका था, ये 1984 में ये आइडिया इमर्ज हुआ था बाई द फॉर्मर US प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के द्वारा इसको लाया गया था। अ स्पेस स्टेशन विल परमिट क्वांटम लीप इन आर रिसर्च इन साइंस कम्युनिकेशन एंड इन मेटल एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन विच कुड बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली इन स्पेस, ठीक है, क्या होगा एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो कि परमिट करेगा क्वांटम लीप इन द फील्ड ऑफ साइंस कम्युनिकेशन मेटल एंड इट विल ऑल्सो गिव लाइफ सेविंग मेडिसिन विच कुड ओनली बी डिस्कवर्ड विच विल ओनली मैन्युफैक्चर्ड इन स्पेस। ओके नासा विल इन्वाइट अदर कंट्री टू पार्टिसिपेट सो विद द स्ट्रेंथ इन पीस बिल्ड प्रोस्पैरिटी एंड एक्सपेंड द फ्रीडम, ठीक है, नासा क्या कर रहा है अदर कंट्रीज को इन्वाइट कर रहा है टू पार्टिसिपेट टू स्ट्रेंथ इन पीस बिल्ड प्रोस्पैरिटी ओके एंड एक्सपेंड फ्रीडम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए जो ISS का जो मिशन था जिसको भेजा गया था लगभग 15 साल के लिए बताया गया था कि ISS वाज ऑरिजिनली बिल्ट टू ऑपरेट फॉर 15 ईयर, लगभग 15 साल तक ये रन करेगा इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन ये अपनी जो क्षमता था उससे बहुत ज्यादा ये आगे आया है, ठीक है, 15 साल के बजाय इसने 30 साल तक अभी ये रहेगा, ठीक है, इसको 2030 में डिकमीशन किया जाएगा, ठीक है। सो ये एक्चुअली जब इसको है कि इसके अंदर क्या हो गया कि इतना वो कुछ हो गया, ठीक है, सो इसके अंदर बताया गया है कि कुछ ऐसे सेवरल काजेस जो कि
ये क्या है, एक्चुअली बहुत ही बड़ा, लगभग एक फुटबॉल ग्राउंड की साइज का ये सैटेलाइट है, ठीक है। सो इसके अंदर जब ये घूम रहा है इतनी की स्पीड से, एक दिन में आपको बता दूं कि 15 बार से ज्यादा ये क्या करता है, अर्थ के चक्कर लगा देता है, ठीक है। सो इसके अंदर कुछ सेवरल डिफेक्ट आने स्टार्ट हो गए, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गई, तो इसकी वजह से इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग डीकमीशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली इसमें दिया भी हुआ है कि ये एक दिन में इतना बार रोटेट करता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, ISS goes through 16 rotation of the earth per day, per day कितना, लगभग 16 rotation लगाता है अर्थ के, ठीक है। An extreme temperature की वजह से इसको बहुत ज्यादा problem होना face करना पड़ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसके अंदर difficulty देखने को मिल रही है, ठीक है। So ये 15 साल का mission था, इसने अपनी काबिलियत से इसने बहुत हद तक extra दिया है, ठीक है। और इसको जो जहां पर इसको एक्चुअली इसको कहां पर decommission किया जाएगा, कहां पर गिराने की बात की गई, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस स्टेशन है, इसको इजिली कहीं अगर हम ऊपर भी डिस्ट्रॉय करें तो ये बहुत ज्यादा वार्स डाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देगा, ठीक है। सो इसको कहां पर, साउथ पैसिफिक रीजन में, साउथ पैसिफिक ओशियन, जो कि एक पॉइंट का नाम क्या है, नेमो, साउथ एशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, जहां पर अनइनहैबिटेड एरिया, जहां पर लोगों की मूवमेंट नहीं हो, ठीक है। द स्पेस स्टेशन विल देन प्रोवाइड फाइनल पुश टू इट लोअर स्ट्रक्चर टू द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट एंड इंश्योर सेफ री एंट्री इन द अर्थ एटमोस्फेयर लीडिंग टू इट्स पॉइंट नेमो ओवर साउथ पैसिफिक ओशियन इनहैबिटेड एरिया, ठीक है। इनहैबिटेड एरिया मतलब जहां पर लोग नहीं हो, ठीक है, मतलब farthest from human civilization, ठीक है, human civilization से farthest, ठीक है, human civilization से दूर, जहां पर लोग ना हो, जैसे कि साउथ पैसिफिक ओशियन में इनहैबिटेड एरिया है, वहां पर एक पॉइंट है, उसका नाम क्या है, नेमो, वहां पर ले आकर नासा का जो प्लान है कि ये क्या करेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ये क्या करेंगे, डीकमीशन करेंगे, वहां पर इसको गिराएंगे, ठीक है। आपको यहां पर मैंने बताया कि ये बहुत ही यूज है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही लार्ज है, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल की ग्राउंड की इतना इसका साइज है, तो इसको ऊपर ऑर्बिट पे इसको डिस्ट्रॉय करना, इसको डीकमीशन करना, ये इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। इसकी जो वेट है लगभग 4,30,000 किलो की इसकी वेट है। सो आप सबको पता है कि इतना वेट और इतना चौड़ा, इतना लंबा जो सैटेलाइट है, स्टेशन है, इसको डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होगा, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विच नासा प्लान टू डीकमीशन इन 2031, ओके। सो आज के लिए अभी तक और कुछ आगे इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं, ठीक है। सो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, शेयर करने में और लाइक करने में बिल्कुल भी शर्माइएगा मत, आपका पैसा भी नहीं लगेगा, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर